राजस्थान में चल रही जन आक्रोश यात्रा के 13वें दिन धौलपुर विधानसभा की आक्रोश यात्रा धौलपुर विधानसभा के शहर मंडल पर पहुंची। यात्रा का पुराना शहर में जगह जगह पर स्वागत किया गया। यात्रा की चौपाल जिजुआ वाली माता और पटपरा में लगाई गई। चौपाल को बिसम्भर दयाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर की आम जनता ने यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत कर आज यह बता दिया है कि यह आक्रोश यात्रा जनता की यात्रा बन गई है और वर्तमान गहलोत सरकार के प्रति कितनी पीड़ा है इनके मन में। गहलोत सरकार के विधायकों ने राजस्थान में अन्याय और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। अब आम जनता इनको वक्त आने पर राजस्थान से कांग्रेस हमेशा के लिए विदा करेगी। नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता कुक्कू शर्मा ने कहा कि शहर में उमड़े जनसैलाब को देखकर लग रहा है कि वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी है। राजस्थान सरकार में जनरल राज की स्थापना हो चुकी है। राजस्थान भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान के मानचित्र नंबर एक पर पहुंच चुका है। जन कल्याण के कोई काम हो नहीं रहे हैं। जनता त्रस्त है। हम धौलपुर विधानसभा के सभी ग्राम पंचायतों में होकर आए हैं। पीने को पानी नहीं है, बिजली की सप्लाई वहाँ नहीं है, किसान परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोग बहुत व्याकुलता से सरकार बदलने का इंतजार कर रहे हैं और वो तैयार बैठे हैं कि कांग्रेस सरकार को फाड़ फेंकें। आपको पता है न तो ये किसानों का कर्जा माफ कर पाई है, न विद्यार्थियों को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे पाई है, न महिलाओं का उत्पीड़न रोक पाई है, न बच्चों के साथ दुष्कर्म रोक पाई है। आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है। गैंगस्टर राजस्थान में बढ़ रहे हैं और आतंकवादी मॉड्यूल पर गोलीकांड कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित नहीं है। चलते हुए राहगीर में दिन में लूट कर ली जाती है। ऐसी जंगल राज की स्थापना हो चुकी है कि ये भाजपा ने तय किया। गांव गांव जाकर जनता का जागरण करेंगे और जनता को अपने समर्थन में लाकर इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को फाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी ने जन आक्रोश के द्वारा कांग्रेस की गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का आखिरी संकल्प लिया है और इसे हम आज पूर्ण कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 15 दिसंबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आएंगे। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पूनिया जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर कस्बे में प्राची कॉलेज में जन आक्रोश आम सभा को संबोधित करेंगे। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बाड़ी के कंचनपुर तहसील में प्राची कॉलेज में एक जन आक्रोश आम सभा को संबोधित करेंगे। देश के यशस्वी संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी के धौलपुर आगमन पर धौलपुर के सभी कार्यकर्ता वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया जी 15 तारीख को प्रासी कॉलेज कंचनपुर बाड़ी विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से और जनता से निवेदन है कि वह उनके विचारों को सुनकर लाभान्वित। जयपुर के NDPS कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश आज मंगलवार को लगातार 14वें दिन जारी रहा। ऐसे में 14 दिन से विभिन्न अदालतों में कामकाज ठप पड़ा रहा और प्रवादी परेशान हो रहे हैं। कोर्ट परिसर में रैली निकाली। रैली में कर्मचारियों ने मृतक सुभाष मेहरा के दोषियों को सजा दिलाने जाने के नारे लगाए। आंदोलन स्थल पर सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि न्यायिक विभाग के उच्च अधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने पहुंचे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आज दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया और राहुल गांधी से वार्ता भी की। विधायक बोहरा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का युवाओं को सबसे अधिक समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के साथ युवा, अधेड़, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, जिससे देश में प्रेम भाईचारे का माहौल बन रहा है। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। यह यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा धौलपुर जिले की विधानसभा बाड़ी के कंचनपुर मंडल के गांव पबेसुरा से रहल, कांसपुरा, कछपुरा, बड़ापुरा, कल्लापुरा, टोंटरी, भीमगढ़ से अलीगढ़ पहुंची। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते के झूठे वायदे, खादगी, कालाबाजारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी है, सरकार के मंत्री विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया 4 साल तक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगे रहे। जन आक्रोश यात्रा का गांव-गांव में स्वागत किया गया।